मेरे भी छोटे छोटे दो मासूम बच्चे चले गए। हाथ जोड़े सबके, हम बोले हमने कि मेरी बच्ची को निकाल दो, कोई नहीं मेरी बच्ची को नहीं निकाला। हम अपने दिल को कैसे समझाएंगे, मेरे पले पलाए चले गए बच्चे, सब पूछेंगे तुम पूछोगे वो पूछेंगे, हमें क्या जवाब देंगे, तुम सब लोग चले जाओगे जी, बच्चे के माँ बाप बूढ़े बाप मम्मी पापा मेरे हैं, ये क्या करेंगे, किसके सहारे रहेंगे। मेरे बच्चे चले गए, हर बार जाते हैं मरीज, इस बार ही कुछ ऐसी घटना हो गई है, इससे आइंदा कभी पहले हुआ ही नहीं। कितना सा गेट है और कम से कम 10 लाख भाई बहन है, इतने गेट कैसे निकलेंगे। फिर आगे से तुमने रोड जाम कर दिया, जो आगे वाली संगत थी वो पीछे वाले ऊपर गिरी, पीछे वाले आगे वाले के ऊपर गिरे, ये हुआ है वहाँ। कल यूपी के हाथरस में जो सत्संग के बाद भगदड़ हुई और उसमें 100 से ज्यादा यानी कि 121 लोगों की मौत हो गई, दर्दनाक हादसा हुआ। बात शाहजहांपुर की करें तो यहां के भी दो मासूम अपने परिवार के साथ उस सत्संग में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जो कि वापस गांव नहीं लौट सके। हम इस वक्त भमौली गाँव में मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे साथ उन बच्चों की बुआ हैं जो उस सत्संग में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उनसे जानेंगे कि कल क्या वहाँ पर हुआ सत्संग के बाद, जब वहाँ से जो बाबा निकला तो उसके बाद में कैसे पूरी घटना वहां पर हुई। बात करते हैं, क्या नाम है आपका? सीमा है। सीमा, ये बताइए कि कल आप जो सत्संग में गए कितने बजे पहुंचे, क्या हुआ वहां पर? हम लोग 10 बजे पंडाल में पहुंच गए थे, उसके बाद में सत्संग समापन होने के बाद में संगत इतनी तेज से भगी और रोड पर खड़ी थी बसें, तो इसीलिए थोड़ी सी जगह मिली, जगह थोड़ी सी मिलने के बाद उधर रोड के पार पानी भरा था, कीचड़ भी था खेतों में, इसीलिए संगत पूरी तरह से निकल नहीं पाई। संगत एक दूसरे के ऊपर गिरती रही और दबते रहे, जो दबते रहे वो मरते रहे, उसमें मेरे भी छोटे छोटे दो मासूम बच्चे चले गए। तो कहा जाता है कि वहां पर बाबा ने जो है मंच से कहा था कि जो उनके चरण रज हैं वो लेंगे तो वो उनके जो पाप हैं उनके दुखों का हरण हो जाएगा, ऐसी भी कोई बात थी? ऐसी कोई बात नहीं थी वहां पे। कितने लोग आप लोग गए थे और कहां से गए थे? हम लोग जयपुर से गए, जयपुर की कमेटी थी, गाड़ी लेके जाते हैं उनके साथ में हम लोग जाते हैं। कितने लोग थे आपके साथ? बड़ी गाड़ी बस थी, बस पूरी गाड़ी भरी थी, 40-50 नहीं होते कम से कम 90-95। और दूसरी बुआ है बच्चे, क्या नाम आपका? रमा, ये बताइए कि क्या हुआ वहां पर? आप हमने अपने बाबू को साथ में लिया, तो हमने अपनी बिट्टू को हमने अपने से यहाँ पे बैठा लिया, तो हमने कि चलो घर के, तो मेरा बाबू रोने लगा, थोड़ी दूर चल गए थे, हमने कि बाबू है अभी मत रो या, हमने कि घर के चलो खेत में बैठेंगे, और तले तले ऐसे पता नहीं कहाँ से वो दशहरे सब भैया बहनी आ गए, उन्हें ऐसे ही धक्का मारी मेरे बाबू को, अब मेरी बिट्टू को मेरा कोई पता ही नहीं रहा, हम कहाँ आए कहाँ नहीं, हमें कुछ होश ही नहीं रहा है। फिर हम बहुत दबे परे रहे, 2-3 घंटे दबा परे रहे, हमने कि मेरी हाथ जोड़े सबके, हम बोल रहे हमने कि मेरी बच्ची को निकाल दो, कोई नहीं मेरी बच्ची को नहीं निकाला। किसको दोषी मानते हैं इसके लिए आप? हम किसको दोषी मानते हैं? बच्चों के जो पिता हैं आनंद, उनसे भी बात करेंगे। आनंद जी बताइए कि आप कहाँ थे, आप गए नहीं, कौन कौन गया? मेरी बहन थी, मेरे घर वाली थी, साथ बच्चे गए थे जी। मैं काम से आया था वापस, मैं इन लोगों से कहा मैं नैया पहुंचूंगा, तुम लोग चले जाओ, तो मेरे बच्चे चले गए। हर बार जाते हैं मरीज, इस बार ही कुछ ऐसी घटना हो गई है, इससे तो आइंदा कभी पहले हुआ ही नहीं। कब से जुड़े हैं आप? हम अभी इसी पिछले दीपावली के बाद ही कुछ ही महीनों के बाद जुड़े हैं। तो क्या लगता है जो इतनी बड़ी घटना हो गई और किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? अब जिम्मेदार किसको माने, खुद का नसीब साथ नहीं दे रहा है। क्या लगता नहीं है कि ये भी जा रहा है कि जो सत्संग था तो जितने लोग वहां पर, जितने लोगों की व्यवस्था से, उससे कहीं ज्यादा लोग वहां पहुंचे थे? भीड़ भाड़ तो वैसे हो जाती हर बार है, और हम भी जाया करते हैं। पिछली बार भी 5 मार्च को हम ग्वालियर गए थे, वहां दर्शन किए, अच्छे खासे दर्शन किए, व्यवस्था भी सब सही थी, मगर इस बार ये पता नहीं कैसे क्या हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। ये बताइए कि अब क्या मांग करते हैं सरकार से? क्या माने, जो नसीब में लिखा होगा वही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। आप साथ में आइए, आपका क्या नाम होगा? आप कौन हैं? हम बुआ हैं। हाँ, जब हम अपने कायमगंज से हम बस ट्रेन से गए थे, पहले कासगंज से गए, कासगंज से फिर मैं सिकंदरा राव के लिए बैठे, सिकंदरा राव से हम पांडाल में पहुंचे, तो ये लोग मुझे वहां पे कोई नहीं मिले थे, मगर गलती
कमेटी वालों की भी है और प्रभु जी की भी गलती है। जब तुमने इतनी व्यवस्था बना रखी, वहां पे खनती थी, पानी भरा था, कीचड़ होता, वो सुविधा क्यों नहीं की? संगत आती है, आज अभी दो भाई आए, दो बहनें आई, जाने के बाद सब इकट्ठे जाते हैं। जब रोड पे तार बांस लगे तो तुम व्यवस्था ये हटाते कि संगत चारों तरफ से निकल पाती है? नहीं, इतना सा गेट है और कम से कम 10 लाख भाई बहन है, इतने गेट कैसे निकलेंगे? फिर आगे से तुमने रोड जाम कर दिया, जो आगे वाली संगत थी वो पीछे वाले के ऊपर गिरी, पीछे वाले आगे वाले के ऊपर गिरे, ये हुआ है वहाँ पे। मगर कहा ये भी जा रहा है कि जो बाबा हैं उन्होंने कहा था कि जो चरण रज है वो लेंगे तो नहीं, वो ये नहीं कहते हैं, ये तो संगत नहीं मानती है। संगत कहीं रजधूली लेती है, कहीं पर रंगोली लेती है, वो कुछ नहीं कहते, ना वो पाए पूजी कराते हैं, ना पाए छुबाते हैं, कुछ नहीं वो करवाते हैं, ये तो झूठी बात है, ये बात नहीं है। तो आप उससे जुड़े हुए? हम भी उसके 7 साल हो गए हैं जुड़े हैं वो, मगर बाबा जी भी ये कहते हैं कि जो यहाँ रोते रोते आते हैं वो हंसते जाते हैं। फिर मैं तो वहाँ मौके पे थे, लेकिन मैं पहले चले आया, मैं तो बच्चों को लेके वहाँ बिछमा जाते हैं, जहाँ से प्रभु जी मैनपुरी से वहाँ गए पांडाल में, हम तो वहाँ लेके जाते बच्चों के डालते हैं, उनसे जा कहते हैं आप तो कहते रोते रोते हंसते हंसते जाते, मैं रोते कैसे घर पे जाए? मुझे जवाब दो तुम आप यहाँ पे है, जब तुम सब कुछ कर सकते हो तुम मरे को जिंदा कर सकते हो, जिंदों को कैसे मार सकते हो? कुछ तो तुम्हारे अंदर है, तुम कहते मैं कुल ब्रह्मांड के मालिक है, महानायक है, संहार करता है, पालन करता है, फिर तुम कौन हो, कहाँ है तुम है? हम अपने दिल को कैसे समझाएं जो मेरे पले पलाए चले गए बच्चे है? हम कहा बताए तुम्हें? सब पूछेंगे, तुम पूछोगे, वो पूछोगे, हमें क्या जवाब देंगे है? तुम सब लोग चले जाओगे जो बच्चे के माँ बाप बूढ़े बाप मम्मी पापा मेरे हैं, ये क्या करेंगे, किसके सहारे रहेंगे है? मुझे कुछ दिन याद आएंगे या नहीं आएंगे बताओ पहले, मैं अपने दिल में तसल्ली कैसे लाए है? जब तुम सब कुछ कर सकते तो कुछ तो मुझे उम्मीद दिखाते कुछ, जब तुम सब कुछ कुल ब्रह्मांड के मालिक हो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तो कुछ तो नजर डालते मेरे ऊपर। तुम ये भी कहते हो वचन ही ढाले, वचन ही तलवार, इन बच्चों ने कौन सा वचन तोड़ा था? इन बच्चों की क्या गलती थी? आज से एक बात जो है, बाबा ने अभी तक किसी तरीके को कोई दुख व्यक्त नहीं किया, सामने नहीं आए, उसको वो आते ही नहीं, वो आते हैं खाली प्रवचन दे के चले जाते। कल तो इतनी जल्दी आ गए, वो 12 बजे आ गए थे, 1 बजे आरती करा दी, चले गए 9 बजे सत्र के साथ, 3 बजे तक होता, 4 बजे 5 बजे तक होता, उसके बाद में आरती आती होती है, लेकिन कल उनने 2 बजे 2:15 बजे आरती करा दी, वो चले जाते, उसके बाद में संगत निकलती है सब। हाथरस का जो दर्दनाक हादसा हुआ, हृदय विदारक घटना हुई, यहाँ पर 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, तो कहीं ना कहीं बड़ी नाराजगी है। इस वक्त हम भमौली गांव में हैं, शाहजहांपुर के, यहाँ के 2 मासूम जो है अपने परिवार के साथ गए थे और वो अब इस दुनिया में नहीं है। परिवार में कहीं ना कहीं रोष है, उनका कहना है कि जब बाबा बड़े बड़े प्रवचन करते थे मंच से, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं चुप बैठे हैं। शाहजहांपुर से लोकल टीम के लिए सिमरनजीत सिंह की रिपोर्ट।